आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीलाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बोर, ये वो लोग हैं जिनको असाधारण वैज्ञानिक खोजों के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा की गई ज्यादातर खोजें पिछले 500 साल के अंदर ही की गई हैं। लेकिन 500 साल पहले का क्या? क्या इसके पहले साइंस के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई थी? अगर कोई खोज हुई भी तो वह किसने की? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इन पश्चिमी वैज्ञानिकों से नजर हटाइए और चलिए अपने भारत की ओर। भारत की इस पवित्र धरती पर भी कई असाधारण व्यक्ति हुए। वे लेबोरेटरी में काम करने वाले आपके पारंपरिक वैज्ञानिक जैसे तो नहीं थे, लेकिन ब्रह्मांड के बारे में उनका ज्ञान और अंतर्दृष्टि उनके समय से सदियों आगे थी। यह थे भारत के ऋषि मुनि, जो केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं थे बल्कि अपने समय के वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉमर, फिलोसोफर और मैथमेटिशियंस थे, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में लगे हुए थे। इन्होंने ही विज्ञान की नींव रखी थी। हालांकि समय के साथ इन ऋषि मुनियों का योगदान भुला दिया गया और इनका स्थान पश्चिमी वैज्ञानिकों ने ले लिया। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम प्राचीन भारत के ऋषि मुनि और उनकी असाधारण वैज्ञानिक खोज के बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर्स को बनाने वाले इंग्लैंड के इंजीनियर चार्ल्स बैबेज थे, पर ये कंप्यूटर एक डब्बे के सिवा कुछ न होता अगर इसमें भाषा न होती। कंप्यूटर्स पर लागू होने वाली बाइनरी भाषा की खोज करने वाले थे एक ऐसे ऋषि, जो न केवल एक गणितज्ञ थे बल्कि एक दार्शनिक और विचारक भी थे, जिनके काम ने आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखी। यह महान ऋषि हैं पिंगल। इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर्स की भाषा बाइनरी नंबर्स की खोज की। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स 0 और 1 की भाषा ही समझता है। हालांकि पिंगल ने उस समय शून्य और एक के रूप में नहीं बल्कि लघु और गुरु के रूप में यह कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ लघु का अर्थ 0 और गुरु का अर्थ 1 है। दरअसल पिंगल संस्कृत के छंदों यानी स्वरों पर कार्य कर रहे थे। इन्हीं छंदों का वर्णन पिंगल ने अपनी एक पुस्तक छंद शास्त्र में किया है, जो 300 BC पहले लिखी गई थी। पिंगल के द्वारा लघु और दीर्घ स्वरों का उपयोग आज के बाइनरी नंबर्स का आधार बना। संस्कृत के छंद और बाइनरी नंबर्स का यह गहरा नाता सिद्ध करता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अनुकूल दुनिया की एकमात्र भाषा संस्कृत है। यही नहीं, बाइनरी नंबर्स का उपयोग रोबोटिक्स और स्पेस कम्युनिकेशन के लिए भी अनुकूल है। आज हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपयोग कर रहे हैं, उसका श्रेय पिंगल ऋषि को ही जाता है। चलिए अब जानते हैं दुनिया के सबसे पहले मैथमेटिशियन के बारे में, जिनका नाम है लगध ऋषि। इनको दुनिया के सबसे पहले गणितज्ञ और सबसे पहले खगोल वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक वेदांग ज्योतिष खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की प्राचीन पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक के माध्यम से लगध ऋषि ने सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में कई कैलकुलेशंस भी किए हैं। वेदांग ज्योतिष पुस्तक के अनुसार चंद्रमास यानी लूनर मंथ पूर्णिमा के अगले दिन शुरू होता है और एक लूनर मंथ लगभग 29.5 लूनर डेज के बराबर होता है। इसी प्रकार से एक चंद्र वर्ष 12 महीनों का होता है। इसी वेदांग ज्योतिष की मदद से हमारा पंचांग बनाया गया, जो चंद्रमा के महीनों और दिनों पर आधारित है। इसलिए हर वर्ष दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को और होली फागुन मास की पूर्णिमा को होती है। अन्य त्योहार भी चंद्रमा के दिनों के अनुसार ही मनाए जाते हैं। प्राचीन ज्योतिष विज्ञान और गणित की बात हो तो वराह मिहिर जैसे महान गणितज्ञ का नाम लेना अनिवार्य है। वराह मिहिर 6वीं शताब्दी के एक प्रमुख विद्वान थे, जिनका एस्ट्रोलॉजी और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। वराह मिहिर ने इन विषयों पर कई बुक्स लिखी है, जिनमें पंच सिद्धांतिका सबसे महत्वपूर्ण है। इन पुस्तकों में प्लैनेट्स का मोशन यानी ग्रहों की चाल, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, विषुव यानी इक्विनॉक्स और संक्रांति यानी सोल्स्टिस जैसी कई खगोलीय घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ बताना आवश्यक है कि संक्रांति उस दिन को कहते हैं जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जैसे मकर संक्रांति, तुला संक्रांति, मीन संक्रांति इत्यादि। 12 राशियों के अनुसार एक साल में 12 संक्रांति होती है। अगर इक्विनॉक्स यानी विषुव की बात करें तो इक्विनॉक्स साल के वह दो दिन होते हैं जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सीधी पड़ने के कारण पूरे विश्व में दिन और रात का समय बराबर होता है। एक साल में दो इक्विनॉक्स होते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च के आसपास और ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर के आसपास होता है।
गणित में भी वराह मिहिर ने ट्रिग्नोमेट्री के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। उन्होंने साइन, कोसाइन और कॉट फंक्शंस की गणनाओं के लिए नए तरीकों का आविष्कार किया। वराह मिहिर का मौसम विज्ञान अनुसंधान यानी मीटरोलॉजिकल रिसर्च में भी बड़ा योगदान है। उन्होंने मौसम के पैटर्न, बादलों का निर्माण और मौसम की भविष्यवाणी कैसे की जाए इसके बारे में भी बताया है। हम सबने कभी न कभी मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम अवश्य पढ़ी है। एक ग्रीक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर पाइथागोरस के नाम पर आधारित यह थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और अन्य साइड्स के बीच का रिलेशन बताती है। आश्चर्य की बात यह है कि पाइथागोरस के जन्म से भी लगभग 1000 साल पहले भारत में यह थ्योरम बौधायन ऋषि द्वारा लिखी जा चुकी थी, इसलिए इसे पाइथागोरस थ्योरम नहीं बल्कि बौधायन थ्योरम कहना ज्यादा उचित होगा। हालांकि बौधायन द्वारा इस थ्योरम को सिद्ध करने का तरीका दूसरा था। बौधायन ने इसे एरिया यानी क्षेत्रफल के माध्यम से समझाया है, जबकि पाइथागोरस ने इसी थ्योरम को ज्योमेट्री के माध्यम से समझाया है। पर इससे यह सच नहीं बदल जाता कि यह थ्योरम इस दुनिया को बौधायन ऋषि की ही देन है। बौधायन ऋषि का कार्य यहीं तक सीमित नहीं है, ज्योमेट्री के क्षेत्र में भी इनका कार्य उल्लेखनीय है। इनके द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक सुलभ सूत्र में यज्ञ की वेदियों को बनाने के लिए किए जाने वाली तकनीक का वर्णन किया गया है। यदि किसी यज्ञ अनुष्ठान का पूरा फल प्राप्त करना है तो उसके लिए वेदी का माप बिल्कुल सटीक होना चाहिए। वेदियों को बनाने के लिए किए जाने वाले सभी कैलकुलेशंस सुलभ सूत्र में दिए गए हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यज्ञ अनुष्ठान केवल कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि विज्ञान है, जिसका ज्ञान हमारे ऋषियों के पास था। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में गुरुकुल में छात्रों को इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाती थी? इंजीनियरिंग पर एक पूरी पुस्तक लिखने का श्रेय जाता है ऋषि भारद्वाज को। इस पुस्तक का नाम है यंत्र सर्वस्व, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कॉम्प्लेक्स मशीनों पर विस्तृत चर्चा करती है। भारद्वाज ऋषि का योगदान केवल इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं है। जिन एरोप्लेन्स को बनाने का सारा श्रेय राइट ब्रदर्स को दिया जाता है, वह एरोप्लेन्स बनाने की टेक्नोलॉजी भी भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखी गई पुस्तक विमान शास्त्र में मौजूद है। भारद्वाज ऋषि ने उड़ने वाली मशीनों की 3 श्रेणी बताई है। एक वह विमान जो पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ सके, दूसरे वह विमान जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़ सके, और तीसरे वो जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक की यात्रा कर सके। भले ही आज मनुष्य अपने आप को आधुनिक और विकसित बोलता है, पर ब्रह्मांड से पार की यात्रा करने वाले विमान तो आज तक आधुनिक मानव भी नहीं बना सका है। वही इस प्रकार के विमानों को बनाने की तकनीक भारद्वाज ऋषि जानते थे। चलिए, ये तो हुई फिजिक्स की बातें, लेकिन भारद्वाज ऋषि का नाम बायोलॉजी के क्षेत्र में भी आता है। इनको ही पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने का श्रेय जाता है। यह टेस्ट ट्यूब बेबी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण है, जो आगे चलकर द्रोणाचार्य कहलाए। दरअसल संस्कृत में द्रोण का अर्थ बर्तन होता है, और द्रोणाचार्य का जन्म मिट्टी के बर्तन में ही हुआ था। जैसे एक टेस्ट ट्यूब बेबी का भ्रूण शुरुआती दौर में एक टेस्ट ट्यूब में विकसित किया जाता है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। पहली बार टेलीस्कोप बनाने का श्रेय दिया जाता है 16वीं सदी के वैज्ञानिक गैलीलियो को। लेकिन गैलीलियो से भी हजारों साल पहले सबसे पहला टेलीस्कोप बनाया था महर्षि भृगु ने। हमारे प्राचीन ग्रंथों में नवग्रह और सौरमंडल के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध है। यह जानकारी बिना किसी टेलीस्कोप के प्राप्त कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि सभी ग्रह और सूर्य चंद्रमा हमसे बहुत दूर है। टेलीस्कोप का निर्माण सबसे पहले भारत में हुआ, इसका सबूत है कर्नाटक का होयसलेश्वर मंदिर। 12वीं सदी के इस मंदिर में टेलीस्कोप से देखते हुए एक व्यक्ति का चित्र पत्थर पर उकेरा गया है, जो यह सिद्ध करता है कि टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो से पहले भारत में ही हुआ था। महर्षि भृगु द्वारा रचित पुस्तक भृगु संहिता ज्योतिष विज्ञान की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें लग्न के आधार पर व्यक्ति के जीवन और उसके भाग्य का अनुमान लगाया जा सकता है। जिस शिशु का जन्म अभी हुआ भी ना हो और वह अपनी माँ के गर्भ में हो, उसका भविष्य बताने में भी यह ग्रंथ सक्षम है। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें केमिकल रिएक्शन करवा कर बिजली बनाई जाती है। यूं कहे कि इलेक्ट्रिक सेल केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में चेंज करता है। पर यहाँ हम सेल की बात क्यों कर रहे हैं?
वो इसलिए क्योंकि पहला इलेक्ट्रिक सेल बनाने का श्रेय जाता है अगस्त्य ऋषि को। दुनिया एलेसेंड्रो वोल्टा को पहला सेल बनाने का श्रेय देती है, लेकिन इससे हजारों साल पहले यह खोज भी भारत में की जा चुकी है। अपनी पुस्तक अगस्त्य संहिता में अगस्त्य ऋषि ने सेल बनाने के तरीके का वर्णन भी किया है। उनके अनुसार सेल बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन, तांबे की चादर यानी कॉपर शीट, कॉपर सल्फेट, चूरा यानी सॉडस्ट, मरकरी यानी पारा और जिंक यानी जस्ता की आवश्यकता होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत के लोगों को बिजली का ज्ञान था। अगस्त्य ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया के बारे में भी बताया है। आजकल इस्तेमाल होने वाली गोल्ड प्लेटेड और सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ही देन है। चलिए अब जानते हैं एक दूसरे सेल के बारे में। नहीं, ये वह सेल नहीं है जिसे अगस्त्य ऋषि ने बनाया था। यह सेल है सभी जीव जंतुओं में पाया जाने वाला सेल, जिसे कोशिका भी कहते हैं। यह वही सेल है जिसकी खोज करने का श्रेय इंग्लैंड के रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। सेल की खोज से बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की नींव पड़ी और आगे कई डेवलपमेंट्स हुए। लेकिन वनस्पति यानी पेड़ पौधों के बारे में तो एक पूरी पुस्तक रॉबर्ट हुक से हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है। इस पुस्तक का नाम है वृक्ष आयुर्वेद। यह पुस्तक ऋषि पराशर ने लिखी थी। देखा जाए तो यह दुनिया में बॉटनी की सबसे पहली पुस्तक है। यही नहीं, पराशर ऋषि ने कृषि पराशर नाम की एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने खेती बाड़ी के आधुनिक तरीकों और खेतों में लगने वाली खरपतवार यानी वीड्स की भी पूरी जानकारी दी है। अंग्रेजों के दिए गए नाम जैसे क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग इत्यादि सब पहले से ही कृषि पराशर में पाए जाते हैं। बस इस पुस्तक की भाषा संस्कृत है। पराशर ऋषि का योगदान ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी में भी है, जिसमें उनके द्वारा लिखी एक अन्य पुस्तक बृहत पराशर होरा शास्त्र काफी महत्वपूर्ण है। इसमें ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के आधार पर विभिन्न घटनाओं के लिए शुभ समय और मुहूर्त निर्धारित किए जाते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी पदार्थ यानी मैटर को बनाने वाले सूक्ष्म कणों को एटम यानी परमाणु कहा जाता है। हमारे विज्ञान की पुस्तकों में लिखा है कि एटम के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था, पर वह नाम जो नहीं बताया जाता वह है ऋषि कणाद का नाम। महर्षि कणाद का वास्तविक नाम कश्यप है, जिनके नाम पर ही कश्मीर का नाम पड़ा था। ऋषि कणाद ही वह व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि ब्रह्मांड की हर वस्तु छोटे कणों से बनी है। इन कणों या पार्टिकल्स को कणाद ने परमाणु कहा था। इनके अनुसार परमाणु पदार्थ यानी मैटर का सबसे छोटा कण है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्हीं परमाणु को इंग्लिश में एटम्स कहा जाता है। कणाद ऋषि ने एक पुस्तक लिखी थी वैशेषिका सूत्र। इस पुस्तक में गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन, जड़त्व यानी इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में विस्तार से लिखा गया है। यह सब नाम आपने आइजैक न्यूटन के संदर्भ में सुने या पढ़े होंगे, पर यह सारी बातें तो कणाद ऋषि 600 BC पहले ही लिख गए थे, यानी न्यूटन के जन्म से भी लगभग 2000 साल पहले। साल 2007 में इंग्लैंड की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में हुए एक रिसर्च के अनुसार लॉज ऑफ मोशन न्यूटन की अपनी खोज नहीं थी। न्यूटन ने इन लॉज को चुराया था और जिस ग्रंथ से चुराया था वह है कणाद ऋषि द्वारा लिखित वैशेषिका सूत्र। तो अगली बार जब आप लॉज ऑफ मोशन या एटम्स के बारे में पढ़ें, तो कणाद ऋषि का नाम याद रखिएगा। इन प्राचीन वैज्ञानिकों में अगला नाम है ब्रह्मगुप्त का। गणित के क्षेत्र में इनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें खंड खाद्यक, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और कैडम केला प्रमुख हैं। उन्होंने कई ऐसे फॉर्मूले विकसित किए जिनसे एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। ब्रह्मगुप्त ने सौरमंडल के ग्रहों की पोजीशन और उनकी गति के बारे में भी कैलकुलेशंस किए थे। उन्होंने ये भी बताया कि एक सौर वर्ष यानी सोलर ईयर 365 दिन 5 मिनट और 19 सेकंड का होता है। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों द्वारा एक सोलर ईयर का जो समय बताया गया है वह ब्रह्मगुप्त द्वारा दी गई वैल्यू से काफी मिलता जुलता है। ब्रह्मगुप्त का योगदान ज्योमेट्री के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है, जिसमें उन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है। इसे ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला भी कहा जाता है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उपयोग किया जाने वाला हिरोन्स फॉर्मूला ब्रह्मगुप्त के फॉर्मूले से ही प्रेरित है।
इसके अलावा जीरो को एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने किया था। हालांकि बहुत लोग जीरो को संख्या के रूप में प्रयोग करने का श्रेय आर्यभट्ट को भी देते हैं, पर ब्रह्मगुप्त वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य का उपयोग कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया था। प्राचीन भारत के वैज्ञानिक रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में भी निपुण थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध है नागार्जुन। इनको सबसे पहला अल्केमिस्ट और धातुकर्मी माना गया है। नागार्जुन ने सोना और पारा यानी मरकरी पर काफी शोध भी किया था। वह पारे से सोना बनाने का फॉर्मूला जानते थे। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र पर आधारित कई पुस्तकें लिखी थी। इनमें रस रत्नाकर सबसे प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टिन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। उन्हें हीरा, मोती और धातु जैसे ठोस पदार्थों को घोलने की कला भी आती थी। नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता के पूरक के रूप में एक अन्य पुस्तक उत्तर तंत्र भी लिखी थी, जिसमें दवाइयां बनाने के तरीके दिए गए हैं। प्राचीन भारत के ऋषियों ने विज्ञान और दर्शन की दुनिया पर गहरी छाप छोड़ी है। खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा इत्यादि के बारे में उनके असीमित ज्ञान ने कई क्षेत्रों की नींव रखी, जिसके आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक है। इन ऋषि मुनियों ने सदियों से मानवता को नई राह दिखाई है। अब जब हम इस वीडियो के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, आशा है आप इन विद्वानों के योगदान को सदैव याद रखेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य रखें। चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार। जय महाकाल।